हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई। सो गाइस, आज टुडे इज़ 26th June 2024। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे कंसिडरिंग दैट टुडे द लोकसभा स्पीकर विल बी फाइनली आइदर अनाउंस्ड, या कल तक तो यही पता था कि उसके लिए वोटिंग होगी। लेकिन इससे काफ़ी हद तक अगर आप देखो, आज वैसे भी बाज़ार के ऊपर हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बिकॉज FIIs आर रिकॉर्ड लॉन्ग पोजिशन पर बैठे हैं। और जब भी FIIs की पोजीशन रिकॉर्ड लॉन्ग होती है, प्लस उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का तड़का लग जाता है, जैसे मैंने येस्टरडे कल आपको बताया था, प्रमोटर सेलिंग रिकॉर्ड हो रही है, मार्केट में यूफोरिया है, और काफ़ी स्टॉक्स ना बहुत स्ट्रेच्ड लग रहे हैं। वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन अलॉट ऑफ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रनअप आ गया है, जो काफ़ी, जो हम लोग जैसे पुराने लोग हैं, हमको कम्फर्टिंग नहीं दे रहा है। एक आपके भी माइंड में इफ़ यू लुक एट सर्टन स्टॉक्स ना, आपको एक झिझक आएगी। झिझक मतलब आपको एक डर लगेगा। जैसे हिमांशु जी ने कल मुझे, हमारे सब्सक्राइबर हैं फ्रॉम दिल्ली NCR, उन्होंने मैसेज में लिखा था कि वो अमारा राजा बैटरीज़ की बात कर रहे थे, कि अमारा राजा में जब भी उनका मन करता है घुसने का एक डर लगता है, लेकिन वो स्टॉक फिर कल वापस 20% ऊपर चला गया। तो जब न्यूज़ में स्टॉक ऊपर भाग रहे हैं यूजुअली, और इस तरह के वैल्यूएशन पे भी ऊपर भाग रहे हैं, दिस कुड बी द लास्ट लेग ऑफ अ टेम्पररी स्टॉप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुल मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा और बेयर मंदी छा जाएगी। बेयर मार्केट छोटे होते जा रहे हैं और बुल मार्केट्स आर गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। ये पहले का ज़माना नहीं है जो बेयर मार्केट 5-6 साल तक चलता था या 3 साल तक चलता था। अगर बेयर मार्केट आया भी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बैड, क्योंकि वो 4-5 महीने 6 महीने थोड़ा साइडवेज हो सकता है, मंदी हो सकती है, गिरावट हो सकती है, उसमें बाइंग के मौके किसको मिलेंगे? बड़े इन्वेस्टर्स को ही मिलेंगे ना। प्रमोटर सेलिंग, FII रिकॉर्ड लॉन्ग पोजीशन, मार्केट में ओवर स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस, और क्वांट म्यूचुअल फंड की ये नेगेटिव खबर आना, और सेबी का लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए वार्निंग सिग्नल देना, ये 4-5 चीज़ें। और आज 26 जून को स्पीकर का अपॉइंटमेंट। अगर अब इसमें अलग तड़का है पॉलिटिक्स का, पहले ऐसा हो गया था कि जो ओम बिरला साहब है, जो पहले के स्पीकर थे, उन्हीं का नाम आना तय माना जा रहा था। देन आई थिंक बोथ द ऑपोजिशन एंड द पार्टी NDA इन पावर, उन्होंने अग्री किया कि नहीं साहब, इस पर सहमति नहीं बन रही है तो चुनाव कराओ। तो आज पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, और एक चीज़ तो आज पता चल जाएगी कि NDA के जो 292 कैंडिडेट्स हैं, 292 या 295 जो भी उनका नंबर है NDA का, उसमें से अगर ओम बिरला साहब को 295 वोट्स पड़े, तो आप समझ जाओ कि ये सब साथ में है। अगर 295 से कम पड़े, 272 के ऊपर पड़े, तो स्पीकर तो डिसाइड हो गया। बट अगर 295 से कम वोट पड़े, इसका मतलब NDA में भी अंदर ही अंदर विद्रोह चालू हो गया है, बिकॉज जितने 295 से कम पड़ेंगे उतने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी ऑपोजिशन के स्पीकर कैंडिडेट को वोटिंग दिया है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मारामारी, पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, मार्केट्स हमेशा एक ऐसे स्ट्रेच वैल्यूएशन पे हल्का सा भी अगर से धक्का लगे, तो बाज़ार यूजुअली जो ओवर स्ट्रेच्ड है वो पहले गिरते हैं। लेट्स होप एंड प्रे दैट मार्केट स्टेबल रहे। बी कॉशियस।